अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको भुने हुए आलू अंडे की रेसिपी बताऊंगी। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आधा किलो आलू, इन्हें कट करके मैंने वॉश कर लिया है। तीन बड़े साइज़ की प्याज चॉप की है मैंने, एक बड़े साइज़ का टमाटर, छः अदद हरी मिर्च, छः अंडे, हाफ जिंजर बारीक कटा हुआ, फुल टी स्पून टर्मरिक पाउडर, पिसी हुई हल्दी, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, नमक, फुल टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च, एक कप कुकिंग ऑयल और एक कप पानी चाही लूँगी। इसके अंदर मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँगी। सबसे पहले आलू, अनियन, टमाटर, हरी मिर्च, ऑल स्पाइसेस, जिंजर। आप इसका पेस्ट बना के भी यूज कर सकते हैं, और एक कप पानी। अब मैं इसके नीचे हाई फ्लेम जला दूंगी और इसे पकने के लिए रख दूंगी। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। पहले आप मसाला भून के भी ये बना सकते हैं। पूरे 5 मिनट बाद ये देखें, इसके नीचे पहले हाई फ्लेम थी, मैंने अब लो फ्लेम कर दी है। साथ साथ आप इसका ख्याल रखें ये नीचे से लग नहीं जाए। ये देखें, इसके अंदर अभी पानी है, पानी खुश्क हो जाएगा और आलू भी तकरीबन गल जाएंगे कुछ देर तक। पूरे 15 मिनट बाद इसका पानी खुश्क हो गया है, ये आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। ये देखें, अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स करके मिनट के लिए मज़ीद मैं इसे लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के रख दूँगी। मैंने एक बाउल में तोड़ ली है, इसके अंदर मैं 1.5 क्वार्टर टी स्पून सॉल्ट और 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। 5 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन उठा लिया। ये देखें, ये तकरीबन बन के तैयार है। अब मैं इसके अंदर अंडे ऐड कर दूँगी। मैंने इन्हें अच्छे से फेंट लिया था, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अंडे ऐड करते ही फ़ौरन इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से हाई फ्लेम पे। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इसमें अंडे तकरीबन मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर सूखी मेथी डालूँगी थोड़ी सी और इसका ढक्कन लगा के रख दूंगी। पूरे 5 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा था, अब मैं इस नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखें, आलू अंडे की रेसिपी बनके तैयार है। आज मैंने आपको मज़े की और जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी बताई। आप इसे ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।